मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने किया था, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी करना पसंद ना करते थे। इस भावना की बुनियाद मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता उसी में थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे, और शायद ही कभी दिमाग को आराम देने के लिए कापी पर या किताब के हाशियों पर चीड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे। कभी कभी कोई एक नाम, शब्द या वाक्य को 10-20 बार लिख डालते, कभी कोई एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते, और कभी कोई ऐसी शब्द रचना कर डालते जिसमें ना कोई अर्थ होता ना कोई सामंजस्य। मसलन एक बार मैंने उनकी कापी पर ये इबारत देखी, स्पेशल अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल, भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम, और 1 घंटे तक। और उसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था, लेकिन उनसे पूछने का साहस ना हुआ। वो 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं में। उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात था। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता, 1 घंटा भी किताब खोलकर बैठना मेरे लिए पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से निकल मैदान में चला जाता, और कभी कंकड़ियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और अगर कोई साथी मिल गया तब तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी के ऊपर कूद रहे हैं, कभी फाटक पर सवार होकर उसे आगे पीछे चलाकर मोटर कार का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वो रौद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते हैं। उनका पहला सवाल ये हुआ, कहां थे? हमेशा यही सवाल, इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता, और मेरे पास इसका जवाब केवल मौन। न जाने मेरे मुंह से ये बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था। मेरा मौन ये कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है, और भाई साहब के लिए इसके सिवा कोई इलाज न था कि वो स्नेह और रोष से मिले हुए शब्द में मेरा सत्कार करे। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और हर्फ ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि जो चाहे वो पढ़ ले, नहीं तो ऐरा गैरा, नथू गैरा सब अंग्रेजी के विद्वान नहीं हो जाते। यहां रात दिन आंखें खून जलाना पड़ता है तब कहीं जाकर ये विद्या आती, और आती क्या है? आती क्या है, बस कहने को आ जाती है। बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी लिख नहीं सकते, बोलना तो दूर की बात रहा, और तुम
तुम कितने घोंगा हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते? मैं कितनी मेहनत करता हूं ये तुम अपनी आंखों से देखते हो, और अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर। इतने मेले तमाशे होते हैं, तुमने कभी मुझे देखा उसे देखने जाते हो? रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं, मैं पास नहीं भटकता, हमेशा पढ़ता है, और उस पर भी दो दो तीन तीन साल एक ही दर्जे में पढ़ा सड़ता रहता हूं। और तुम ये कैसे आशा करते हो कि यूं खेल कूद में समय गवाकर तुम पास हो जाओगे? मुझे तो दो ही तीन साल लगते हैं, तुम सारी उम्र एक ही दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे। और इस तरह तुम्हें खेल कूद में समय गवाना है तो बेहतर है कि तुम घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यों बर्बाद करते हो? मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता, जवाब ही क्या है? अपराध तो मैंने किया, लेकिन ये लताड़ कौन सा है, कौन सुने? साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाण चलाते कि जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मैं मेहनत करने की शक्ति अपने में ना पाता, और इस निराशा में कुछ देर के लिए मैं सोचने लगता क्यों मैं घर चला जाऊं, क्यों ना घर चला। जो काम मेरे बूते से बाहर है उसमें हाथ डालकर अपनी जिंदगी क्यों खराब करो? इतनी मेहनत मैं नहीं कर सकता, लेकिन कुछ ही देर में निराशा के बादल छट जाते, घंटे दो घंटे में निराशा के बादल छट जाते, और आगे से मैं ये इरादा करता कि खूब जी लगाकर पढ़ूंगा। चटपट एक टाइम टेबल बना डालता, बिना कोई नक्शा तैयार किए, कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू किया जाए? टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो, नाश्ता कर, पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक इतिहास, 9 से 9:30 ग्रामर, और फिर भोजन करके स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस आकर आध घंटा आराम, फिर 4 से 5 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, 5 से 6 तक हिसाब, फिर 6 से 6:30 हॉस्टल के सामने टहलना, फिर 7 से 8 तक भूगोल, फिर भोजन करके 9 से 10 तक हिंदी, 10 से 11 तक ट्रांसलेशन, और फिर 11 से 12 विविध विषय, और फिर विश्राम। लेकिन टाइम टेबल बनाना एक बात है और उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से उसकी अवहेलना शुरू हो जाती, मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वो उछल कूद,
कबड्डी के वो दाव घात और बाकी सब चीजों की तेजी और फुर्ती, ये मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से वहां खींच ले जाती और वहां जाकर मैं सब कुछ भूल जाती। वो जानलेवा टाइम टेबल, वो आंख फोड़ पुस्तकें किसी को याद न रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर प्राप्त हो जाता। मैं उनके साये से भी दूर भागता, उनकी नजरों से दूर रहता। कमरे में ऐसे दबे पैर आता कि उनकी नजर मुझ पर ना पड़े। उनकी नजर मुझ पर पड़ी और मेरे प्राण निकले। हमेशा एक सर पर नंगी तलवार सी मालूम होती, लेकिन फिर भी जैसे आदमी मौत और भय के बीच में भी मुंह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फफकार और घुड़कियां खाकर भी मैं खेल कूद से तिरस्कार ना कर सका, बिल्कुल ना कर सका। सालाना इम्तिहान हुआ, भाई साहब फेल हो गया और मैं पास हो गया। और दर्जे में मैं प्रथम आया, फर्स्ट। अब मेरे और भाई साहब के बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया। जी में आया भाई साहब को आड़े हाथे लूं, कहां गई आपकी वो घोर तपस्या? मुझे देखिए, खेलकूद में बंदा भी रहा और दर्जे में अव्वल भी आ गया हूं, प्रथम में। लेकिन भाई साहब इतने उदास थे कि मुझे उनसे दिली हमदर्दी। अब भाई साहब का वो रौब मुझ पर नहीं रहा। मेरे रंग ढंग से ये साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक मुझ पर अब नहीं था। भाई साहब ने उसे भांप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। एक दिन सवेरे भोर का समय मैं सारा गुल्ली डंडा को भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े। देखता हूं इस साल तो पास हो गए हो और दर्जे में प्रथम आ गए हो तो तुम्हें सिर हो गया है, तुम्हारा दिमाग घूम गया है। लेकिन भाई साहब घमंड तो बड़े बड़े का ना रहा। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, उससे तुमने क्या सबक लिया? सिर्फ किताबें पढ़ लेना कुछ नहीं है, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण चक्रवर्ती राजा था, बड़े बड़े महीप उसकी सेवा में लगे थे, उसे कर दिया करते थे, लेकिन उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। भाई साहब दुनिया में जो चाहे वो कुकर्म करे, लेकिन कभी भी इतराइए नहीं, घमंड ना करिए। अभी तो तुमने एक ही दर्जा पास किया और तुम्हें तो दिमाग हो गया, तब तो तुम आगे पढ़ चुके, बिल्कुल पढ़ चुके। और यह मत समझो कि तुम अपनी मेहनत से पास हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई है और बटेर सिर्फ एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं लग सकती। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, जब एलजिब्रा और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना क्या आसान समझते हो? 8-8 तो हेनरी ही गुजरे हैं,
कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ यह याद रखना आसान है क्या? हेनरी सातवें के जगह हेनरी आठवां लिखा और सारे नंबर सफा चले। सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी, वो किस ख्याल में? दर्जनों तो चार्ल्स हुए हैं, दर्जनों विलियम्स, कॉडियो हेनरी, दिमाग चक्कर खाना। अरे इस अंभागो को नाम भी तो ना सोचते थे, एक ही नाम के पीछे डोयम सोयम चहरुम पंचुम लगाते चले गए। अरे मुझसे पूछ लेते 10 लाख नाम बता देते। और अलजेब्रा, अलजेब्रा तो बस खुदा की पना, अ ब ज की जगह अगर आपने अ ज ब लिख दिया तो सारे नंबर कट गए। सफाचट, अरे भाई साहब आप ये मुझे बताइए कुदरी जी कि अ ब ज और अ ज ब में क्या अंतर है? हाँ, कोई अंतर है? दाल भात रोटी खाई या रोटी दाल भात खाया, कोई अंतर है नहीं? लेकिन इन शिक्षकों को इसकी भी परवाह नहीं, वो तो चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डाले और इसी रटन का नाम शिक्षा रख, शिक्षा। और अगर आपको परीक्षाएं पास करनी है तो ये सारी खुराफातें आपको याद करनी पड़ेगी। कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम न हो। अरे भाई सब जानते हैं कि समय की पाबंदी अच्छी बात है, सबको समय पसंद होना चाहिए, उससे आपका समय बचता है, बहुत कुछ काम हो सकता है, लेकिन इतनी छोटी बात कहने के लिए 4 पन्ने कैसे लिखें? लेकिन नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे और वो भी पन्ने भी पूरे फुल स्केप के आकार में। अरे बालक भी इतनी बात समझता है, लेकिन इन शिक्षकों को इतनी भी बुद्धि नहीं है कि ये बात कहने के लिए 4 पन्ने नहीं लिखे जाते। तो भाई साहब मेरे दर्जे में आओगे तो ये सारे लोहे के चने चबाने पड़ेंगे। और इसलिए कहता हूं कि मेरी बात को सुनिए, जो कुछ कहता हूं वो अनुभव से कहता हूं, इसलिए मेरी बात सुनिए और उसे गिरा में बांधिए। स्कूल का वक्त नजदीक आ रहा था, भोजन करना था, लेकिन आज भोजन मुझे निस्वाद सा लगा। अगर पास होने पर यह अत्याचार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद जान ही ले ली जाती। फिर से सालाना इम्तिहान हुआ, संयोग से कुछ ऐसा हुआ कि मैं फिर से पास हो गया और भाई साहब फिर से फेल हो। अब मेरे और भाई साहब के बीच में केवल 1 दर्जे का अंतर है। अब भाई साहब थोड़े नरम से पड़ गए थे, कई बार मुझे डांटने का अवसर पाते हुए भी उन्होंने बहुत शांति से धीरज से काम किया। लेकिन वो बड़े बुद्धिशाली इंसान थे, मेरी स्वतंत्रता को देखकर उन्होंने एक दिन जब मैं कनकौवा लूटने के लिए, पतंग जो होती है ना कनकौवा, उसको लूटने के लिए मैं हॉस्टल से दूर अनेक लड़कों के साथ दौड़ा सा जा रहा, मेरी नजर आसमान की ओर, उस कनकौवे की ओर जो अपने पतंग की ओर धीरे धीरे जा रहा, सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई।
जो शायद बाजार से कुछ सामान खरीद कर आ रहे थे। सहसा उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और जोर से बोला, इन ठेले के कनकौए के लिए तुम इस बाजारी लौंडों के साथ दौड़ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें यह भी एहसास नहीं कि अब तुम आठवीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक ही दर्जा नीचे हो और यह कनकौए के लिए तुम दौड़ रहे हो? अरे कुछ तो लिहाज करो कि आदमी को अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए। एक जमाना था कि आठवीं कक्षा पास कर लोग सुपरिटेंडेंट बन जाते थे, बड़े बड़े तहसीलदार बन जाते थे, और तुम उसी आठवीं कक्षा में इस ढेले के कनकौए के लिए तुम बाजारी लौंडों के साथ दौड़ रहे हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मुझे शर्म आती है तुम्हारी इस कम अकली में। भाई साहब की इस नई युक्ति के सामने मैं नतमस्तक, मेरे पास कोई जवाब नहीं। और आज पहली बार मुझे अपनी लघुता का एहसास हुआ और भाई साहब के प्रति मेरी श्रद्धा बढ़ गई। मैंने सजल आंखों से कहा, भाई साहब आप जो कह रहे हैं वो सही फरमा रहे हैं और आपको उसे कहने का अधिकार भी है, भाई साहब ने सहसा मुझे गले लगा और बोले, मेरा भी जी कनका हुआ लूटने को करता है, लेकिन मैं क्या करूं, अगर खुद बेराह चलूं तो मैं तुम्हें कैसे संभाल सकता हूं? इतनी ही देर में एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा, लड़कों का एक गोल उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था, उसकी डोर लटक रही थी। भाई साहब लंबे हैं, उछल करके उन्होंने डोर को पकड़ लिया और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। हाँ, मैं अपने बड़े भाई साहब के पीछे पीछे दौड़ रहा था। बड़े भाई साहब,